समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 49वें जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं में नवीन और असीम ऊर्जा का संचार उस समय हुआ जब समाजवादी पार्टी से नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य जासमीर अंसारी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि उन्हें किसी भी सूरत में हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग फिर से जनता के बीच जाएंगे और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी फिर से अपनी सरकार बनाएगी। इससे पूर्व टाउन हॉल स्थित पार्टी कार्यालय में प्रथम आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं ने सदस्य विधान परिषद जासमीर अंसारी का फूल मालाओं से लाद कर भव्य स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत एमएलसी जासमीर अंसारी ने कार्यकर्ताओं के साथ केक काट कर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया और लड्डू बांटे। जन्मदिन पर पूर्व मुख्यमंत्री के शतायु होने की कामना की गई। कार्यकर्ताओं ने पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प लिया। जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने परिसर में पौधरोपण कर राष्ट्रीय अध्यक्ष के दीर्घायु होने के साथ उज्जवल भविष्य की कामना भी की। जन्मदिन के मौके पर सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री रामहित भारती, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व विधायक राकेश राठौर, कार्यालय प्रभारी जय सिंह यादव, महासचिव मासूद आलम, शब्बीर खां, जिला सचिव चंद्रशेखर यादव, सुहेल अहमद, मनोज भारती, अशफाक खां, महेंद्र यादव, अंकित त्रिवेदी, बदलू राम, निशान, ओमेंद्र वर्मा, प्रधान मोहम्मद नादिर, मनोज राठौर, डॉक्टर राजेंद्र, कौशलेंद्र सिंह, आकाश राजवंशी, शमीम बानो, मीनू गुप्ता, सुमन भार्गव, मोहम्मद फरकान, धर्मेंद्र राजवंशी, राजेश गिरी, राजेश कनौजिया, मुन्ना अंसारी, आफाक अंसारी, डॉक्टर चंद्रभाल भार्गव, सुहेल खान, शमीन बेग, जयकरण राजवंशी, मोहम्मद रिजवान, अजय पाल, अजय कुमार रोहित यादव, फुरकान अंसारी, मोहम्मद हारून, शिवपाल सिंह, विवेक ठाकुर सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सभी को बधाई देते हुए एमएलसी जासमीर अंसारी ने पार्टी और कार्यकर्ताओं के हित में क्या बोला, आप भी सुने। आज यार पूरा देश जानता है, माननीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का जन्मदिन का डेट है, तारीख है, उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया, केक काटी गई, उनके लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी गई। जनता को सबको बधाई इस चीज की कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्म दिवस है, बहुत शुभ दिन है, मैंने सभी को बधाई दी। इसके अलावा अपने क्षेत्र में क्या लोगों के लिए करेंगे, जैसे वहां से समस्या क्षेत्र के लिए जो हो सकेगा वो हम लोग सब करेंगे, पूरी खिदमत सेवा जो करते थे हम लोग पहले भी किया है और अब भी जो जिम्मेदारी दी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे जिले को एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है, तो आज हमारे जो भी कार्यकर्ता एक बूथ लेवल से लगा के सब उत्साह हैं, सब में एक ताकत आ गई है और इस ताकत को हम लोग हर तरीके से यूज करेंगे। कहीं पे हमारे किसी कार्यकर्ता का उत्पीड़न होगा उसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे।